हेलो फ्रेंड्स, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छे जॉब अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मॉर्गन स्टैनले कंपनी की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जॉब अपडेट किस टाइप की जॉब है, इसमें क्या क्वालिफिकेशंस आपकी रहेगी, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन क्या मिलेगा, कहाँ इसकी जॉब लोकेशन होगी, मैं आपको आज पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगा कि इसमें आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं, मॉर्गन स्टैनली कंपनी ने अभी 2021 टेक्नोलॉजी फुल टाइम एनालिस्ट प्रोग्राम निकाला है, जो कि मुंबई और बेंगलोर दो लोकेशन के लिए है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अभी आप अंडर ग्रेजुएट हैं, 2021 में पास आउट होने वाले हैं या 2020 में पास आउट होने वाले हैं, तो इसी के साथ आप इस जॉब अपडेट में अप्लाई कर सकते हैं। ये 2021 बैच के लिए है। इसमें आपको जो सिटी है वो मुंबई बेंगलोर मिलेगी। एजुकेशन लेवल इन्होंने बैचलर डिग्री रखा है, बिजनेस यूनिट टेक्नोलॉजी है। आपको जो जॉब पोस्ट यहाँ पे मिलने वाली है वो फुल टाइम एनालिस्ट की पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, फुल टाइम एनालिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है कि ये जो है ये फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये कोई भी इंटर्नशिप नहीं है या कोई भी पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये मॉर्गन स्टैनली कंपनी की तरफ से फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें 15 वीक का ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें आप पूरा सीखेंगे कि इसमें कैसे नेटवर्क में काम होता है, वहाँ पे किस टाइप का वर्क होता है, पूरा आपको पूरा ट्रेनिंग पीरियड में ये सब करवाया जाएगा। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एप्लीकेशंस को बनाना है, उनको मेंटेन करना है कि किस टाइप से उसकी पूरी प्रोसेस हो रही है, उसकी वर्किंग हो रही है, किस किस प्लेटफॉर्म्स पे वो चल सकती है, ये सब इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर आ जाता है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें बता दूं, इसमें क्वालिफिकेशंस इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं मांगी है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2021 बैच यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये मास्टर्स डिग्री वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं 2017, 2018, यहाँ पे बैच का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 2020 भी अप्लाई कर सकती है, 2017 भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट बैच को भी ले रहे हैं और ग्रेजुएट बैच को भी ले रहे हैं। ब्रांच की बात आपको बता दूं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जितनी भी टेक्निकल ब्रांचेस है, अगर आप उससे रिलेटेड है तो आप यहाँ से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, जैसे कि जावा, C++, C#। आपको थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप पूरा अच्छे से काम कर पाएं। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पूरा पता होना चाहिए, एल्गोरिथम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेटाबेस की आपकी स्किल्स अच्छी होना चाहिए। जो भी आपने पूरा पढ़ा, इसी के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना चाहिए। जो भी आपने पूरी अपनी 4 ईयर की बैचलर्स डिग्री में पढ़ा है या आप अभी मास्टर्स डिग्री में पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा जॉब अपडेट है, अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लेवल जो है वो फुल टाइम एनालिस्ट है, यहाँ पे फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई भी इंटर्नशिप नहीं है, प्रोग्राम फुल टाइम एनालिस्ट है। अब आपको इसमें बता देता हूँ, ये काफ़ी अच्छी जॉब है। अभी कोरोना के चलते जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, तो आप एक बहुत ही अच्छी कंपनी से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। तो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे अप्लाई बटन दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप मॉर्गन स्टैनली पे नई पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको कुछ वो इस तरह की इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आपका नाम, लास्ट नेम, ईमेल, कंफर्म ईमेल, फिर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। और जैसे ही आप इसे फिल कर देते हैं, तो आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन आएगा आपके मेल पे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कैंडिडेट पोर्टल ईमेल वेरिफिकेशन, ये आपको इस तरीके से का मेल आएगा। और आप जैसे ही इस मेल को वो कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे, तो आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा कि ईमेल वैलिडेटेड करेक्टली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको वैसे ही वही प्रोग्राम पे जाना है, यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे, और यहाँ पे आपको साइड में जाके लॉगिन करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए रहेंगे, रजिस्टर और लॉगिन के। हमने ईमेल वेरीफाइड कर लिया है, अब हमें लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें वो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा, जिसमें आपकी पूरी पर्सनल डिटेल, जैसे आपका नाम, यहाँ पे ईमेल आईडी, आपका पूरा ये जितना भी है, कंट्री, आप किस कंट्री में रहते हैं, इसी के साथ आपकी सिटी, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, आपका होम परमानेंट एड्रेस, पूरा जो भी आप जिस कंट्री स्टेट में रहते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो आपकी ये पूरी डिटेल्स फिल हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ।
यहाँ पे ये जितने भी दोस्तों यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स आपको पूरे यहाँ पे फिलअप करने, इनके फिलअप करने के, ये आप नहीं फिलअप करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे पूरे फिलअप करने, और यहाँ पे सिंबॉल की से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीटेड हुआ है कि नहीं, नॉट मैंडेटरी जो नहीं भरना है वो यहाँ पे इनकम्प्लीट के लिए, और रिक्वायर्ड फील्ड। आपसे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बेसिकली क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड हुए मॉर्गन स्टैनली के साथ, या आपने अभी किसी इंडस्ट्री में आप अभी हैं, आपने कभी वर्क करा है, कहीं लोकेट हुए हैं आप मॉर्गन स्टैनली के साथ। ये बेसिक से क्वेश्चंस है जो कि आप लोग इन सबका आंसर आराम से दे सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें वो आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपको गवर्नमेंट ने पूरा वो दे रखा है ऑफिशियल, इसी के साथ आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, ऐसा तो नहीं है कि आप अगर किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं और फिर यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। इसी के बाद मैं आपकी बता दूँ, आपकी फिर थर्ड पॉइंट जो है वो प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। वो प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहाँ से करी है, एजुकेशन सिस्टम क्या आपका इंग्लिश में है हिंदी में है, आप पूरा कर सकते हैं, वैसे जनरली इंग्लिश में ही होगा पूरा। इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, आपको कोई एम्प्लॉयमेंट और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है या नहीं, है तो यस, नहीं तो नो। फिर इसी के साथ आपसे वो लैंग्वेजेस पूछेगा कि आप किस लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल है, कि आप उनको अच्छे से प्रोफिशिएंसी लेवल के साथ बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप यहाँ पे प्रोफिशिएंसी लेवल अच्छे से देख सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशंस तो बहुत अच्छी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसमें कम्युनिकेशंस का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट पे जाते हैं तो वो आपका रेज्यूम या सीवी पूछेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे आप अपना रेज्यूम फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि इस जॉब अपडेट के बारे में आपने कहाँ से सुना है, एडवर्टाइजमेंट से सुना है, या आपने कहीं किसी प्रोग्राम से सुना है। इसी के साथ आप सेकेंडरी रिसोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इसके बारे में कहाँ से सुना है। फिर आपसे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मांगेगा कि आपने जो भी डिटेल है वो पूरी अच्छे से फिल कर दी है। आप यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है दोस्तों, ये ई सिग्नेचर है। ई सिग्नेचर में आपको अपना नाम यहाँ पे फिल करना है, और आप ये पूरी डिटेल्स फिल कर लीजिएगा। अगर इसमें आपको एक भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका वहाँ पे डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। लेकिन आप इसको पूरा फॉर्म अच्छे से फिलअप करिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में सिंबल की से आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, और आप यहाँ पे जैसे ही अपना फुल नाम डालेंगे, और इसी के साथ आप, ये अभी मैंने फुल इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है इसीलिए वो मुझे बैक के ऑप्शन की तरफ ले जा रहा है। आप जैसे अपनी फुल इन्फॉर्मेशन भर देंगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको मॉर्गन स्टैनली कंपनी की तरफ से मेल आ जाएगा कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया है। और ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी मेल आएगा मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, अगर कोई भी फर्दर प्रोसेस होगी तो वो आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगी। और आप अपनी यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और जनरल इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं कि इस फॉर्म को भरते वक्त जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस है मॉर्गन स्टैनली की। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, कौन से जॉब अपडेट चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या सर्विस बेस्ड कंपनी हो। मैं आप सभी के साथ उन वीडियोस को भी शेयर करूंगा, उन टॉपिक्स को भी लाऊंगा। आपको अगर कोर्सेज और इंटर्नशिप के टॉपिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी के साथ इस तरीके का टॉपिक शेयर करता रहूंगा। और अभी आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप ऑफ कैंपस प्ले कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेजेस में प्लेसमेंट आएंगे जब वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ आप ऑफ कैंपस जॉब में अप्लाई कर दीजिए। ये काफ़ी एक अच्छा जॉब अपडेट है, और ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।